कैसे करते हैं आपको बताते हैं। ये मेन सापड़ है, एक वॉशर आता है, ये भाई सब निकलता नहीं है, ऐसे गियर बाहर नहीं निकलता, इसका एक फिटिंग आता है, वॉशर बाहर निकालना है तो जोर लगन से निकलेगा, ऐसे एक वॉशर है इसके अंदर, उस वॉशर को इस तरीके से लगाना नीचे, फिर ये गियर है, ये गियर की गहराइयों का ध्यान रखें। इसके एक बूस है, एक छोटा, इस बूस को ऐसे लगाना दोस्तों, इसके बाद में उसमें मेन चैम्बर में ये बड़ा वाला डालना है, ये फिटिंग हो गया। इसके बाद में ये बाहर नहीं निकलेगा, पूरा बंद रहता है, ये कलश वाली सापट है, ये मेन सापट है। इसके बाद में दो गियर सेलेक्टर है, इसके ऊपर एक आर लिखा हुआ है, एक के ऊपर एल लिखा हुआ है, ये आर वाला है, ये सॉरी एल वाला है, एयर वाला कलश साइड में रहेगा। कोई दोस्तों उस वाले चैम्बर में बैठा था और कुछ इस चैम्बर वाले बैठा था, मैं इसी चैम्बर में बैठा था। ये आर वाला सेलेक्टर है, इसमें बिठाना है, ये गियर गुल्ला है, ये दोस्तों थोड़ा सा इस खास को बराबर रखना है, इसी खास में दोनों गियर सेलेक्टर को बिठाना है, इसी खास में बिठाना है, एक ऊपर वाली खास में, एक नीचे वाली खास में, एक ऊपर वाली खास में, एक नीचे वाली खास में। इसके बाद में इसकी पिन है, ये ऊपर से देखोगे तो एकदम आराम से दिखेगी, इसमें हल्का सा ऑयल लगा देना है, ऑयल लगा के आराम से उसको पिन को बिठा सकते हो। ये पिन बैठ गई, ये ऊपर नीचे का कोई रोल नहीं है, चाहे ऊपर या नीचे, पिन को कैसे भी बिठा सकते हैं आप, इस तरफ भी बिठा सकते हैं, उस तरफ भी बिठा सकते हैं। इसके बाद में गियर को घुमा के देखना है, गियर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सच कला स्थान कर रहे हैं, न्यूट्रल है रेडी, ये न्यूट्रल पोजिशन है, यहाँ से पता पड़ेगा नीचे से कि न्यूट्रल है, सही है, एक नंबर हो जाएगी। ये टॉप है, टॉप में ये सापट फुल घूमेगी, ध्यान रखना, ओके।